आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सब यह जानेंगे कि भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है, आखिर इसमें ऐसा क्या वर्णित है कि यह भारत के संपूर्ण नागरिकों के ऊपर सामान्य तरह से लागू होता है, और इसमें क्या क्या वर्णित हुआ है, इन सभी को जानना भारत के संपूर्ण नागरिकों के लिए बेहद ही जरूरी है। इसलिए आप सब इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आप सब इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को भारत के संविधान के बारे में पता जरूर चल जाए, और आप सब इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के संविधान का उद्देश्य इस प्रकार से है, इसको जानना भारत के सभी नागरिकों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो चलिए इस भारत के संविधान का उद्देश्य को जान लेते हैं। तो इसमें यह लिखा गया है कि हम भारत के लोग यानी कि हम सब भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को यानी कि भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी कि सामाजिक तौर पर आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर सभी लोगों के लिए समान व्यवहार का ऐलान किया गया है। उसके बाद प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की जो गरिमा है और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी सवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं। तो यह भारत के संविधान का उद्देश्य है, इसको जानना सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, यह जानकारी आप सभी के लिए कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं।